एसएसबी के पहल पर टोला पहाड़ इलाकों में नक्सली एरिया कमांडर की पत्नी ने फहराया तिरंगा। जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित चरका पत्थर थाना क्षेत्र की टोला पहाड़ इलाके में एसएसबी के सहयोग से इलाके के इनामी कुख्यात नक्सली सुनील मरांडी की पत्नी प्रिया मुर्मू ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन कर नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लौटने का संदेश दिया है। कुख्यात नक्सली सुनील मरांडी को जमुई पुलिस ने मार्च में गिरफ्तार किया था। नक्सली सुनील मरांडी अभी जेल में बंद है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट आशीष वैष्णव ने नक्सली की पत्नी प्रिया मुर्मू से बातचीत कर उसका हालचाल जाना और सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया। डिप्टी कमांडेंट आशीष वैष्णव के प्रयास से लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाकर आदिवासियों और पिछड़ों को मदद पहुंचाई जा रही है। डिप्टी कमांडेंट आशीष वैष्णव ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों का दायित्व आप लोगों की सुरक्षा करना है। जो भी लोग नक्सल गतिविधि में संलिप्त हैं तो वह यह रास्ता छोड़ दें और मुख्य धारा से जुड़कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर एक नेक इंसान बनाएं। आपको बता दें कि चरका पत्थर थाना क्षेत्र की टोला पहाड़ी पूरी तरह से जंगली इलाकों से घिरा हुआ है। यह जिले के कुख्यात नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। चारों ओर से जंगल से घिरे हुए यह क्षेत्र आम लोगों की जाने की बात तो दूर, सरकारी मखमली के आला अधिकारी को जाने में भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।